नमस्कार दोस्तों, बैट एंड बॉल बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें, और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, यहां आपको क्रिकेट और स्पोर्ट्स से जुड़े सारे अपडेट मिलते हैं। बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन, रोहित शर्मा ने इस बात पर जोर दिया है कि टीम में किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई निश्चित बल्लेबाजी स्थान नहीं है। यह मैच की परिस्थितियों पर अनुकूल डालने और रणनीति रूप से बल्लेबाजी लाइनअप का उपयोग करने की इच्छा को दर्शाता है। न्यूयॉर्क पिच, कप्तान ने संभवतः इस बारे में अंतर्दृष्टि या विचार साझा किया कि न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच कैसा व्यवहार कर सकती है, जो टीम की रणनीति और चयनों पर प्रभावित कर सकती है। विराट कोहली का फॉर्मेट, टीम में कोहली के कद को देखते हुए यह संभव है कि शर्मा ने उनके फॉर्मेट या आगामी मैच में उनकी भूमिका पर टिप्पणी की हो, जैसा जिसका उद्देश्य आत्मविश्वास बढ़ाना या किसी चिंता का समाधान करना हो। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी स्थिति, पंत की बल्लेबाजी स्थिति के बारे में चर्चा, टीम की बल्लेबाजी क्रम को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है। संभवतः पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी शैली का लाभ उठाने के लिए भारत पाकिस्तान मैच का महत्व, भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चली जा रही प्रतिस्पर्धा को देखते हुए शर्मा ने इस मुकाबले के महत्व को उजागर किया होगा। तथ्य इसके आसपास की प्रत्याशा और उत्साह को स्वीकार किया होगा। पिछले मैच के परिणाम, आयरलैंड पर भारत की जीत और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की हार का उल्लेख संभवतः आगामी मैच के लिए टीम के प्रदर्शन और अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए एक संदर्भ के रूप में काम आया। कुल मिलाकर शर्मा की टिप्पणियों में सामरिक विचारों, खिलाड़ियों के आकलन और T20 वर्ल्ड कप 2024 के व्यापक संदर्भ में मैच के महत्व की स्वीकृति का मिश्रण दिखाई देता है। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।